हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं और किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, पर चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसकी जानकारी ही नहीं होती कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर अचानक आप चलकर जा रहे हैं और किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो किसी और को हेल्प के लिए बुलाए बगैर या फिर सिर्फ वहाँ खड़े रहे बगैर आप खुद इस जानकारी से उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकें और उन्हें समय रहते उपचार दे सकें। तो सबसे पहले, जब भी किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आए तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप उन्हें ज़मीन पर सीधा लिटा दें और उनके आसपास की सारी चीज़ों को हटा दें ताकि झटके के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। इसके बाद उस व्यक्ति को आप करवट कराकर लिटाएं ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार मिर्गी के दौरान मुंह से झाग भी आता है। तो जब आप करवट कराकर व्यक्ति को लिटाते हैं तो उनके मुंह से झाग सारे बाहर आ जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होती। साथ ही साथ ये ध्यान दें कि व्यक्ति के गले में अगर टाई हो, किसी प्रकार की ज्वेलरी हो या उनका कॉलर बहुत टाइट हो, शर्ट के बटन लगे हुए हो, तो ऐसे कंडीशन में कोशिश करें कि उनके गले के पास में किसी भी प्रकार का जो दबाव है उसे हटा दें ताकि उन्हें सांस लेने में घुटन ना हो। इसके बाद हमेशा कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई टी शर्ट है या जैकेट है या पिलो है तो उसे व्यक्ति के सर के नीचे रख दें ताकि उन्हें झटके के दौरान सर पर चोट ना लगे। मिर्गी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिन्हें अगर आप देखें तो तुरंत आप व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाएं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, होश में ना आना, दोबारा मिर्गी का दौरा पड़ना या फिर मिर्गी का दौरा 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा समय तक रहना, मिर्गी के दौरान व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट आ जाए तब, या फिर मिर्गी अगर व्यक्ति को पानी के अंदर आए तब, या फिर मिर्गी आए हुए व्यक्ति को शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी हो तब। ऐसे कंडीशन में तुरंत व्यक्ति को आप अस्पताल लेकर जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा कि मिर्गी अगर किसी व्यक्ति को आए तो उसकी हेल्प आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।